caught in the crossfire. Hello everyone, myself Rahul Jaiswal. Welcome to our YouTube channel JR Tutorials. ठीक है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो तो है स्टडी ऑफ साउंड वेव्स. लेकिन स्टडी ऑफ साउंड वेव्स के अंदर आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है बहुत एक इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि है सोनार एंड रिवर्बरेशन. ये दो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करना है. तो हम लोग ये जो फर्स्ट टॉपिक है सोनार वो यहाँ पे शुरू करते हैं. ठीक है, तो सोनार सबसे पहली बात, सोनार आप देख सकते हो SONAR, इसका एक एब्रिविएशन होता है, फुल फॉर्म होता है. तो सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग. ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग. तो ये एक कंसेप्ट है, फिजिकल कंसेप्ट है, इसको हम लोग को बहुत डीपली स्टडी करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो एक्चुअल में अगर बात करो ये सोनार का मतलब है क्या. ठीक है, जैसे मैंने बोला साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग, साउंड को नेविगेट करता है और रैंग करता है. ठीक है, ये क्या है, ये क्यों है. ठीक है, तो इसको हम लोग को स्टडी करना है. तो बेसिकली जैसे कि एक डायग्राम आप देख पा रहे हो यहाँ पे. ठीक है, एक शिप है यहाँ पे, डायग्राम जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, एक शिप है. यहाँ पे कुछ तो ऐसा आपको दिख रहा होगा वेव्स टाइप, वो नीचे गए हैं वापस से ऊपर आए, ये है क्या. ये आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे. तो सबसे पहली बात कि सोनार का यूज होता है हम लोग को डेप्थ मेजर करने के लिए. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय डेप्थ. अगर कोई चीज का मुझे डेप्थ मापना है जहां पे हम लोग खुद नहीं जा सकते, जैसे कि एक बेस्ट एग्जाम्पल बताओ, सोनार जो यूज होता है वो होता है सी का डेप्थ को फाइंड करने के लिए. समुद्र जो होता है वो कितना गहरा है वो हम लोग कैसे पता चलेगा, या फिर समुद्र की गहराई में क्या छुपा हुआ है वो कैसे पता चलेगा, वो हम लोग को कौन बताता है, सोनार बताता है. ये सोनार एक ऐसा टेक्निक है जिसका हेल्प करते हैं बहुत सारे शिप्स में. ठीक है, बहुत सारे जो आपके मरीन जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे सबमरीन होते हैं, ठीक है, या फिर नेवल कमांड जो होते हैं वो ये टेक्निक का यूज करते हैं ताकि वो लोग अपने दुश्मन को या फिर दुश्मन के जो शिप होते हैं सबमरीन होते हैं उसको वहां से ट्रेस कर सके, कुछ है कि नहीं वो पता लगा सके, या फिर कोई सर्कन शिप है, कोई जो जहाज होता है शिप होता है वो डूब चुका है तो उसके बारे में पता लगाया जा सकता है. तो ये वर्क कैसे करता है ये तो आपको समझना आ गया कि क्या हो रहा है, इसका इस्तेमाल क्यों हो रहा है, लेकिन इसका वर्क कैसे होता है वो यहाँ पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं. तो सीधी सी बात है, स्टडी ऑफ साउंड वेव्स है तो ऑब्वियसली इसमें सोनार में क्या करना है, हम लोग को साउंड वेव्स का ही यूज करना है. ठीक है, तो साउंड वेव्स का यूज करना है तो सबसे पहली बात, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, शिप जो होता है शिप में दो चीज होते हैं. ठीक है, जैसे कि आप जो शिप का जो बेस होता है वहां पे आप देखोगे तो वहां पे दो चीज होते हैं, एक साइड आपको दिख रहा होगा ट्रांसमीटर है, दूसरा साइड आपको दिख रहा होगा रिसीवर है. तो ये ट्रांसमीटर रिसीवर ये क्या होता है. ठीक है, तो जैसे मैं बात करूं जो ट्रांसमीटर होता है इट इज यूज टू ट्रांसमिट द साउंड वेव्स, कहां पे सी लेवल के अंदर. तो जैसे शिप जा रही है, कोई समुद्र है तो शिप अगर जा रही है यहाँ पे तो क्या करता है अपना जो साउंड वेव्स है उसको ट्रांसमिट करता है कहां पे, सी के गहराई के अंदर, समुद्र के पानी के अंदर वो क्या करता है अपना साउंड वेव्स को भेजता है. जैसे वो साउंड वेव्स जाएगा तो आपने एक चीज पढ़ा हुआ पहले भी, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. साउंड की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी साउंड वेव्स एक डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, सामने जाके वो किसी एक ऑब्स्टेकल से अगर टकराता है, ठीक है, तो जो एंगल में वो टकराया वही एंगल में क्या होता है वापस से रिफ्लेक्ट होता है. इट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. ये आपने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड नहीं पढ़ा है तो फिर भी मैं एक यहाँ पे छोटा सा डिस्कशन करके बताना चाहूंगा व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. तो अगर कोई भी वेव, ठीक है, यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का, तो अगर कोई भी वेव एक पर्टिकुलर एंगल में अगर जा रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल में कोई वेव ट्रांसमिट कर रहा है तो वही एंगल में जाके वो ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद वही एंगल से क्या करता है वो रिफ्लेक्ट भी करता है. तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. तो सेम चीज होता है सोनार के केस में भी, जैसे वो ट्रांसमीटर ने क्या किया, जो साउंड था उसको नीचे भेजा, तो अगर कुछ होगा वहां पे सी की गहराई में, ठीक है, तो वहां तक वो जाएगा, उसके बाद वो टकराएगा वहां से और टकराने के बाद सेम वही एंगल से रिफ्लेक्ट होगा एंड वापस से किधर आएगा, शिप के पास आएगा. शिप में एक और चीज है, जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में, शिप में एक और चीज लगी हुई है जिसको हम लोग बोलते हैं रिसीवर. ठीक है, ट्रांसमीटर था जिसने साउंड को नीचे भेजा, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट से टकराया होगा, नहीं ऑब्जेक्ट है तो जो सी का बेस होता है तो जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वहां पे टकराएगा, वापस से रिफ्लेक्ट होगा, किसके पास जाएगा, रिसीवर के पास जाएगा. और रिसीवर के पास जाने के बाद वो क्या करता है, एक सिग्नल को एनालाइज करने के लिए वहां पे एक मशीन होती है, कंप्यूटर मशीन होती है, वो क्या करती है सिंपली कितना टाइम लगा साउंड को गए हुए और कितना टाइम लगा साउंड को वापस रिसीव हुए, ये चीज का हिसाब करती है. एक नॉर्मल से कैलकुलेशन करने के बाद ये पता लगाती है कि वो पर्टिकुलर सी का डेप्थ कितना था कोई भी चीज से टकराने के पहले. ओके, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं कहना चाहूंगा, जैसे एक समुद्र है, समुद्र के अंदर हम लोग को पता लगाना है कि ये समुद्र कितना गहरा है,
ठीक है, शिप चल रही है ठीक से, समुद्र कितना गहरा है, ठीक है, 200 मीटर 300 मीटर 400 मीटर भी ढूंढूंगा, बट मैं क्या करूंगा, एक साउंड वेव्स को भेजूंगा, ठीक है, तो साउंड वेव्स सम जो वो साउंड वेव्स तो बेस जो होता है समुद्र का वो बेस तक पहुंचने के लिए लगा सिर्फ 2 सेकंड, ठीक है, एग्जांपल में दे रहा हूं, समझने की कोशिश करो आप लोग कि वो जो साउंड वेव्स था उसको सिर्फ 2 सेकंड लगा नीचे जाने में, लेकिन वापस से भी आएगा वो रिसीवर के पास, तो वो 2 सेकंड नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली सेम अमाउंट पे वो रिसीव भी होगा, तो ये 2 सेकंड और वो 2 सेकंड, और नॉर्मली जो साउंड वेव्स का जो स्पीड था वेलोसिटी था वो ऑलरेडी डिसाइडेड था पहले से, और एग्जांपल मैंने भेजा इसको 100 किलोमीटर पर माइल के हिसाब से, ठीक है, पर आवर के हिसाब से मैंने इसको नीचे भेजा हुआ है, तो वो कैलकुलेशन उनके पास होता है कि मैंने कितने स्पीड में भेजा और कितने टाइम में वो रिटर्न आया, तो अगर आपको स्पीड पता हुआ पता है टाइम पता है तो यू कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑल्सो, यू नो फॉर्मूला हमने इससे पहले जो डिस्कस किया था पहले वीडियो में कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो वो कैलकुलेटर कैलकुलेशन करने के बाद उनको पता लग जाता है कि ये पर्टिकुलर जो डेप्थ है सी लेवल का वो कितना है, वैसे ही वो लोग अलग अलग चीजों का भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल अंदाजा होता है कि चलो यार ये जो बेस है समुद्र का वो है अप्रोक्सीमेटली 400 मीटर, लेकिन जो आपका साउंड वेव्स है वो 200 मीटर पे रिफ्लेक्ट हो गया, तो आपको कुछ लगेगा कि ये समुद्र के बीचों बीच कुछ तो ऐसा चीज है, तो वो जो स्काई डाइवर्स होते हैं, नॉट स्काई डाइवर्स वी कैन से जो समुद्र के अंदर जो डाइव करते हैं स्काई डाइवर्स को कुछ हो जाता है, ठीक है, तो ये जो जो पानी के अंदर डुबकी मारते हैं, ठीक है, सुपर डाइवर्स वी कैन से, तो वो जाके सर्च करते हैं कि फिजिकली वो जाते हैं और सर्च करते हैं कि हाँ सच में कुछ है कि नहीं, तो अगर कोई सब्जेक्टशीप है जिसमें कुछ काम का मटेरियल हो या फिर कोई बॉडी हो तो वो लोग उसको वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं और वहां पे बेस पे लेके आते हैं, तो ये खासकर जो ऑपरेशन है वो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है नेवी में कमांड्स में एंड ऑल्सो सबमरीन जो होता है उसके केस में सबसे ज्यादा यूज होता है सोनार, ठीक है, तो ये चीज याद रखना आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो एक लास्ट में कंक्लूड क्या करूंगा कि जो सोनार है इसका यूज आपको याद रखना है, मे बी एग्जाम में पूछ सकता है, तो सोनार का जो यूज होता है सबसे ज्यादा कहां होता है, अंडर वाटर हिल्स को पहचानने में, वैलीज को पहचानने में, कोई दुश्मन की सबमरीन है या फिर शिप है उसको पहचानने में, कोई डूबा हुआ जहाज है सनटेन शिप जिसको बोलते हैं वो पहचानने में, या फिर कोई बड़ा आइस का टुकड़ा है आइस बॉक्स जिसको बोलते हैं ग्लेशियर है वो अगर पानी के अंदर है जिससे आपको खतरा हो सकता है वो आइडेंटिफाई करने में जो सोनार है हमारी हेल्प करता है, ओके, ये हो गया हमारा एक टॉपिक जिसका नाम था सोनार, ओके, एक और क्विकली हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करेंगे यहाँ पे जिसका नाम है रिवर्बरेशन, ठीक है, रिवर्बरेशन एक्चुअली इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो रिवर्बरेशन इज नथिंग बट बहुत छोटा सा कंसेप्ट है रिवर्बरेशन, आप सभी लोग थिएटर जरूर गए होंगे, ठीक है, मूवी थिएटर सिनेमा हॉल, ठीक है, सब लोग गए होंगे, तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जो थिएटर होता है उसका जो छत होता है दैट इज जो स्लैब होता है ऊपर का वो नॉर्मल नहीं होता, वो आपके घर से काफी डिफरेंट होता है, आप अपने घर को नोटिस करोगे आपके फ्लैट को नोटिस करोगे रूम को तो आपका जो स्लैब होता है ऊपर का जो छत होता है वो काफी डिफरेंट होता है, वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, लेकिन आप जब भी थिएटर गए हो तो आपने नोटिस किया होगा या फिर नहीं गए हो और फ्यूचर में जाने वाले हो तो जरूर से नोटिस करना क्या कि इसका जो छत है दैट इज स्लैब जो है वो काफी डिफरेंट है, मोस्टली क्या होते हैं कर्व होते हैं, तो ये कर्व या फिर जो डिजाइन में बोल रहा हूं ये क्यों होते हैं, रिवर्बरेशन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, ठीक है, तो रिवर्बरेशन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, जैसे मैंने आपको बात बोला कि रिवर्बरेशन इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इन द वेरियस एंगल, ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, तो अगर कोई भी साउंड बार बार एक पर्टिकुलर एंगल पे जाके रिफ्लेक्ट कर रहा है जिसको हम लोग बोल सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स अगर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है तो हम लोग इसको सिंपली क्या बोल सकते हैं रिवर्बरेशन बोलते हैं, एक एग्जाम्पल बताता है यहाँ पे कि जैसे हम लोग थिएटर में गए अगर हमारा रूम है इमेजिन करो अपने आपको हमारा एक रूम है हम लोग जब स्पीकर बजाते हैं तो आपको कुछ अलग साउंड सुनाई देता है स्पीकर हम लोग बजा रहे हैं तो एक अलग तरीके से साउंड जो है आपके कानों तक पहुंचता है लेकिन आप जब थिएटर जाते हो ठीक है वहां पे आप नोटिस करोगे तो वहां पे जो साउंड आपके कानों तक पहुंचता है वो काफी डिफरेंट होता है तो ऐसा क्यों है वहां पे भी स्पीकर से यहां पे भी स्पीकर से तो फर्क सिर्फ इतना है कि उसके जो स्लैब के एंगल्स जो होते हैं जो वॉल होते हैं जो डिजाइन होते हैं वहां पे उसके एंगल्स काफी डिफरेंट होते हैं तो जैसे कि आप देखोगे कि एक साइड आपका कोई सिंगर है फॉर एग्जाम्पल आप ऑडिटोरियम में हो ठीक है एक साइड सिंगर है दूसरे साइड लिसनर है तो क्या होगा जब भी वो सिंगर कुछ बोलने की कोशिश करेगा कुछ गाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा जो भी स्लैब होंगे उसकी साउंड है वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर एंगल पे ट्रैवल करेगी तो साउंड वेव्स क्या होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्टिकुलर एंगल पे ट्रैवल कर रहा है ट्रैवल करने के बाद जैसे मैंने बोला था कहीं पे भी कुछ ऑब्स्टेकल आया तो वो टकरा के रिफ्लेक्ट होता है तो रिफ्लेक्ट हो रहा है फिर आपने रिफ्लेक्ट हो रहा है रिफ्लेक्ट हो रहा है रिफ्लेक्ट होते होते मल्टीपल टाइम्स वो लिसनर के कान पे पहुंच रहा है तो ये सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं होगा ये मल्टीपल डायरेक्शन में होंगे यहां से रिफ्लेक्ट होगा नीचे से रिफ्लेक्ट होगा ऊपर से रिफ्लेक्ट होगा तो ऐसे अलग अलग जगहों पे जाके वो एक पर्टिकुलर एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा और वो लिसनर तक पहुंचेगा
तो ये जो साउंड वेव्स का रिफ्लेक्शन हो रहा है मल्टीपल टाइम्स, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन। ठीक है, और ये अगर रिवर्बरेशन नहीं होता तो आपको वो इतना आसानी से साउंड वेव सुनाई नहीं देता। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि हम लोग कोई ऑडिटोरियम में रहते हैं, जो कि सिंगर या फिर जो भी आपका स्पोक पर्सन है वो एकदम आगे होता है, और आप अगर एकदम लास्ट पे हो, वहां पे स्पीकर्स भी नहीं है, तो आपको फिर भी उसका आवाज आपके लास्ट तक एकदम क्लियरली सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो वॉल्स डिजाइन किए हुए हैं, जो छत है, जो स्लैब है, वो डिजाइन किया हुआ है, वो एक पर्टिकुलर एंगल वाइज डिजाइन किया गया है, ताकि आपका जो बोलने वाला स्पोक पर्सन है उसका जो साउंड वेव से वो पर्टिकुलर एंगल पे जाके रिफ्लेक्ट हो जाए, और इवन द पर्सन वो सबसे लास्ट में बैठा होगा तो भी उसको सुनाई दे सकता है। ठीक है, तो यही होता है रिवर्बरेशन का जो मेथड है, टेक्निक है, बोल सकते हैं हम लोग। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और ये सोनार एंड रिवर्बरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज द स्टडी ऑफ साउंड वेव्स। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।